कहानी बताता हूं आपको बंदर की। एक बार दोस्तों ने क्या किया, एक प्रोसेस किया, एक पिंजरा लगाया। उस पिंजरे में उन दोस्तों ने क्या किया, एक ऊपर केले लगा दिए और ऊपर पानी की बाल्टी रख दी। उन दोस्तों ने पिंजरे में एक बंदर को डाला। एक बंदर को डालने के बाद उस बंदर की नजर केले पे गई और वो पौड़ी चढ़ के केले की तरफ जाने लगा। बाहर खड़े दोस्तों ने बटन दबाया और पानी की ठंडी बाल्टी उस बंदर के ऊपर गिरी। बंदर नीचे आया और पीछे से ठंड में सूखड़ के बैठ गया। ये हुआ क्या? इतने में दोस्तों ने काम किया, एक काम और करते हैं, एक और बंदर को अंदर डालते हैं। एक और बंदर अंदर आया। अब जब वो नया बंदर अंदर आया, वो पौड़ी पे चढ़ा, केले की तरफ जाने लगा, उसके ऊपर पानी गिरा। अब पानी गिरा तो उसका छींटा दूसरे बंदर के ऊपर भी गिरा। अब दूसरा बंदर उसको देखे, घूरे कि बेवकूफ सा, मसा मेरे को, अभी अभी मैं सूखा था और तेरे कारण मेरे को ठंड लग गई। ये प्रोसेस चलता रहा, तीन बंदर, चार बंदर, पांच बंदर, करते करते 15 बंदर हो गए। उन 15 बंदरों को समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, कि कोई नया बंदर आता है, केले की तरफ जाता है, पानी गिरता है, उसके ऊपर तो पानी गिरता गिरता है, मेरे ऊपर भी पानी गिरता है, वो तो ठंड में मरता ही मरता है, हम भी ठंड में मरते हैं। अब इन्होंने एक प्रोसेस किया, काम करेंगे, अब कोई नया बंदर अंदर आएगा ना, हम उसकी कुटाई करेंगे। अब 16वें बंदर की बारी थी, 16वें बंदर की बारी थी, तो हुआ क्या, 16वां बंदर अंदर आया, सारे के सारे ऐसे खड़े हैं जी। अब 16वां बंदर जब अंदर आया तो उन दोस्तों ने बाहर खड़े पूरी तरह से देखना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। वो जैसे ही अंदर आया, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, किसी ने उसकी टांग पकड़ ली, किसी ने चमाटे लगाने शुरू कर दिए, दे मुक्के पे मुक्का, उसका बुरा हाल कर दिया मार मार के। अब वो बंदर बेचारा साइड पे होके बैठ गया उन 15 से अलग। मैंने किया क्या, मेरी तो बिना मतलब के कुटाई हो रही है, लेना नहीं देना नहीं। अब 17वें बंदर की बारी आ गई। अब 17वां बंदर जब अंदर आया, अंदर आने के बाद सारे के सारे खड़े थे, वो जैसे ही अंदर आया उसकी कुटाई होगी, किसी ने पूंछ खींच ली, किसी ने टांग खींच ली। अब वो भी समझ ना आए कि मैंने किया क्या, जेड़ा 16वां था चार उसने भी लगा दिए। अब समझ में नहीं आ रहा था 17वें को हुआ क्या है, पर 16वें को समझ में आ गया कि शायद कोई रीति रिवाज है, कोई अंदर आता है तो उसकी कुटाई करनी होती है। अब 18वां बंदर भी यही काम हो गया, 19वां भी यही, 20वां भी यही। अब 5 बंदरों को थप्पड़ पड़ चुके थे और 15 बंदरों को पता था कि कुटाई होती क्यों है, पर 5 को नहीं पता था। अब हुआ क्या, दोस्तों ने एक एक करके नया पुराना बंदर बाहर निकालना शुरू कर दिया और नए बंदर अंदर डालने शुरू कर दिए। अब होली होली ये प्रोसेस चलता रहा चलता रहा चलता रहा। लास्ट में क्या हुआ, पुराने बंदर 15 वाले सारे बाहर और अंदर हो गए सारे नए, न्यू। अब नए में एक प्रथा चल पड़ी थी कि हमारे यहां पर पिंजरे में, केज में एक रिवाज है कि कोई भी नया बंदर अंदर आता है तो उसकी पूंछ खींच के, टांग खींच के कुटाई करनी होती है। अब उनकी नजर केले पे जाती ही नहीं थी, उनकी नजर सीधे दरवाजे पे होती थी कि कोई नया आएगा उसकी कुटाई करनी है। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा होता है, हम पेड़ चाल चल रहे होते हैं इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। रीति रिवाजों से हमेशा दूर रहा करो, मानो पर इतना भी ना मानो कि सफलता ना मिले। हाथी था रस्सी से बंधा हुआ, एक आदमी क्रॉस कर रहा था और देखा कि हाथी रस्सी से बंधा हुआ है और देख करके बड़ी जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। कहता क्या है, महावत आया, कहता क्या है, हंसता क्यों है, कहता हंसू ना तो क्या करूं, कहता तेरे को क्या लगता है तेरा हाथी आजाद नहीं हो सकता, कहता नहीं, कहता क्यों, कहता देख जिस टाइम ये हाथी छोटा था ना उस टाइम मैंने इसको रस्सी से बांध दिया था, उस टाइम रस्सी हाथी के लिए बड़ी मोटी थी पर हाथी में जान नहीं थी, हाथी ने कोशिश करी पर वो आजाद नहीं हो पाया। धीरे धीरे उस हाथी ने उस कोशिश को करना बंद कर दिया, उस कोशिश को करना बंद कर दिया और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, उस हाथी को ऐसा लगा कि अब मेरे से नहीं होने वाला। आज वो हाथी बड़ा हो चुका था, हाथी के अंदर बहुत
जान आ चुकी थी पर उसकी सोच छोटी थी। उसको ऐसा लगता था कि मैंने बचपन में मैंने किसी टाइम बड़ी कोशिश करी थी, उस टाइम तो मेरे से हुआ नहीं, आज कैसे होगा। ऐसे ही हमारे साथ भी हो जाता है, हम किसी काम को करने लगते हैं, उस काम को करने के बाद हमें ऐसा लगने लग जाता है कि पहले भी हमने किया था, उस टाइम तो हुआ नहीं पर अब क्यों करें। इसीलिए हमें सफलता नहीं मिलती। अगर ऐसा कभी लाइफ में आए तो हमेशा इस हाथी की स्टोरी को याद कर लेना, आपको सफलता मिलेगी। इज इट? अपने लिए क्लैप कर दो।